Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9, physics gravitation part 1. अभी एक बात याद दिला दूं कि हम लोगों ने already दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का. So this is the third chapter of physics, ठीक है? और केमिस्ट्री का भी दो चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो अगर देखा नहीं है वो मेरा चैनल में है, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, देख सकते हो वहां से. अभी एक चीज बता दूं, और मैं बता दूं कि मैं होल डे बिजी था कुछ अलग काम में और भूल गया महाराज कि आज शूट भी करना है. सो इट्स 12 o'clock, अभी मुझको याद आया, ठीक है. तो चलो वीडियो में चलते हैं. तो उसके पहले मैं एक बार बोल देता हूँ कि दिस बुक यू हैव टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर दिस चैप्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर में थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है, मतलब समझने का पार्ट, ठीक है. तो देखो, पहले तो मैं बता दूं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन सुनकर किसका दिमाग, किसका ख्याल आता है दिमाग में? न्यूटन, एप्पल. वो स्टोरी तो सुना ही होगा तुम लोगों ने कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर एक एप्पल गिरा, फिर उसका मतलब वहां से उसने स्टार्ट किया थिंकिंग कि क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर ग्रेविटेशन का मतलब वो आया. कभी कोई कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर ये अगर उसके दिमाग में एप्पल नहीं गिरके कोई एक नारियल गिरता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं. हाँ, दैट्स ए ओल्ड जोक, ठीक है ना. तो बेसिकली ये जिससे हम लोगों को फायदा भी हुआ, क्या फायदा, कि देखो बहुत सारा फेनोमेनन्स हम लोगों को पता चलता है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यूरियोसिटी है ना. अगर किसी के दिमाग में भी क्यूरियोसिटी है कि ऊपर से बारिश क्यों नीचे गिरता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. हम लोग जो कोई भी चीज देखते हैं कि तुम सपोज तुम्हें बोले खराब लग रहा है या फिर दिमाग मतलब कोई दूसरा काम चल रहा है, ठीक है, और तुमको बहुत गुस्सा आ गया तो तुमको ये मोबाइल लेके फेंकना है, तो मोबाइल जो फेंकने से वो वहां पे गिरेगा, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. तो ग्रेविटेशन फोर्स सब लोगों को दिमाग में या फिर मेंटलिटी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिरे उसको बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन. बट नो, दिस इज नॉट द केस. कोई भी है, मतलब कोई भी दो चीज के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा ही, ठीक है. अभी अट्रैक्शन बोला ये मत समझना कि एक बॉय और एक गर्ल के बीच में अट्रैक्शन, देयर इज नॉट, ओके. उसको लव बोलते हैं, ठीक है ना. ओके, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो इफ आई कीप देम हियर, यू कैन से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा है. बट तुम बोलोगे सर इफ इट इज अट्रैक्टिंग व्हाई इट इज नॉट, आई मीन attracting towards each other, right? तो ये सब question के बारे में ही यहाँ पे थोड़ा बहुत find out करेंगे हम लोग, ठीक है ना? देखो, कोई भी दो object, suppose ये board, और मान लो मैंने यहाँ पे एक pen रख दिया ऐसे, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक attraction होगा. So any two object will attract each other by some force, and that force is very minimal, ठीक है ना? एकदम कम फोर्स. अगर attraction नहीं है, मतलब क्या है, repulsion है, तो ऐसा होता ना, दोनों को मैं एक जगह रखता वो गिर जाता या फिर मूव अपार्ट हो जाता, वैसा तो नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. ऑल्दो हम लोग समझ में नहीं पाएंगे कि बहुत छोटा कितना छोटा है, तो वो सब चीजों का सब आंसर मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है. तो देखो, ये चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना ही है बुक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा. तो क्या बोला, देखो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट नेसेसरी force, that is necessary to make the body moves. हम लोगों ने force के बारे में पढ़ा, ठीक है. अभी क्या बोला, there is a force necessary to produce motion in the body. अभी मैं किसी ने अगर मुझे धक्का दिया तो भी मेरे body में motion होगा, ठीक है. मैंने अगर इसको ऐसे टोका मारा तो क्या होगा, I have applied some force and that is why it will produce a motion, ठीक है ना. Force is necessary for producing motion. Now if we drop a stone from a height, stone falls down towards the earth. Since the stone starts moving downwards, therefore a force must be acting on it. ये सोचने लायक बात था ना. हम लोगों को पता है कि जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में पढ़ा, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट एंड इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन इफ एंड अनलेस यू गिव अनदर एक्सटर्नल फोर्स. तो अगर तुम मान लो ये इसको छोड़ दिया ऊपर से, ठीक है,
तो वो नीचे जाएगा ना, वो नीचे जाएगा, तो हम लोगों ने तो कोई फोर्स नहीं दिया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्यों ये मोशन में आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? तो द फोर्स ड्यू टू विच द अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द स्टोन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये पे मार्कर और अर्थ के बीच में एक फोर्स और अट्रैक्शन है, इसीलिए वो तो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है ना. तुमने जब ऐसे एक ब्लॉक ऑफ वुड या फिर एक गाड़ी, छोटा गाड़ी को तुमने जब धक्का मारा, व्हेन यू पुश्ड, तभी इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ. बट व्हेन यू ड्रॉप दिस, देयर इज नो पुशिंग और पुलिंग, राइट? फिर भी क्यों होगा वो? बिकॉज अर्थ नीचे उसकी तरफ खींचेगा. सो द अट्रैक्शन बिटवीन द मार्कर एंड द अर्थ, आवर बॉडी एंड द अर्थ is nothing but the gravitational force. ठीक है? So thus, when a stone is dropped from a height, falls towards the earth because earth exerts a force of attraction on the stone and pulls it down. वो stone क्या करेगा? Earth को नीचे की तरफ, मतलब earth क्या करेगा? Stone को नीचे की तरफ pull करेगा. ठीक है? And that force is nothing but what? Gravitational force. अभी देखो इस साइड में आओ, पेज नंबर 79 में यहाँ पे क्या बोला. देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली अ लीफ फॉल्स डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. इन फैक्ट अर्थ अट्रैक्ट्स अ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. द फोर्स विद व्हिच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पे नोट लिख दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है. पहला वाला नोट क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसका जो ब्लैक कलर का बाउंड्री है, मतलब बॉर्डर से लिखा है, वो लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोस्फेयर अबव द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फेयर है उसका अट्रैक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज आई मीन एट दैट हाइट ना, कॉन्स्टेंट हाइट पे क्यों है? बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटमोस्फेयर एंड द अर्थ. नहीं तो क्या होता, ऊपर आत्मा ऊपर चला जाता है रिपेल होके. ठीक है, रेन फॉर रेनफॉल, वो भी एक रीजन है, मैंने पहले ही बोला. फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, वाटर जो फ्लो होता है एक जगह से एक जगह, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है. व्हाई? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड. सपोज तुम सोचो तुम ऐसे खड़ा नहीं हो पाते थे अगर तुम्हारे पास नीचे फोर्स अट्रैक्शन नहीं होता था. इफ यू सी केयरफुली इन ए मूवी, लाइक ग्रेविटी बोल के एक मूवी है, ठीक है, या फिर कोई स्पेस रिलेटेड कुछ मूवी देखो, तो वहां देखते हैं क्या, पीपल आर फ्लोटिंग. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना? तो यही रीजन है कि देखो हम लोगों को अभी, मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पीना है, तो अगर ग्रेविटी नहीं होता तो क्या होता, मैं पानी नहीं पी पाता, राइट? बिकॉज मैं ऐसे करता पानी, लेकिन पानी नहीं गिरता. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना? तो फ्लोट करता पानी. पानी भी तुम अगर हवा में छोड़ देते तो वो फ्लोट करता. ठीक है ना? सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल जो तुम देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है ना? अच्छा, एक बात मैं मेंशन करूं यहाँ पे. सपोज तुमने एक ये मैंने एक प्रिज्म लिया और ये मार्कर लिया. सो दोनों में से ऑब्वियसली इसका वेट ज्यादा है, ये थोड़ा हैवी है. तुम बताओ अभी कि दोनों को मैं अगर सेम पॉइंट से ऊपर से छोड़ दूं तो कौन सा वाला नीचे गिरेगा? ऑब्वियसली तुम लोग क्या बोलोगे कि सिंस इट इज हैवियर सो इट विल फॉल डाउन फास्टर. लेकिन अर्थ इतना पार्शियल नहीं है. तुम जब दोनों को छोड़ोगे दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन. सपोज तुमने एक चेंबर लिया, यू हैव टेकन अ चेंबर, ठीक है, उसके अंदर से तुमने सब हवा निकाल दिया. सो इट्स अ वैक्यूम चेंबर. ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं. सो यहाँ पे एक स्टोन लिया और यहाँ पे एक फेदर लिया सपोज, ठीक है, और दोनों को अगर इफ यू अलाउ इट टू फॉल, तो तुम बोलोगे कि सर स्टोन ही पहले गिरेगा, बट दैट इज नॉट द केस. ठीक है ना? क्योंकि अर्थ, एक चीज प्रूव हो गया कि अर्थ हर एक चीज को एक ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है. अभी तुम सोचोगे कि तुम लोग मेरा स्टूडेंट्स तुमको और मुझको बोले बोला कि छत से गिर जाओ, तो तुम बोलोगे सर
आप ज्यादा जल्दी गिरोगे क्योंकि मैं मोटा हूं। एम आई फैट? नो। अच्छा फिर भी मैं नहीं गिरूंगा पहले, तुम भी पहले नहीं गिरोगे, इवन इफ यू आर आई मीन मोर फैट, मोर फैट एक ऐसा इंग्लिश वर्ड, उससे ज्यादा मोटा होगा तो भी ठीक है। तो हम लोगों को अगर छत से एक टाइम पे जंप किया हम लोगों ने, तो हम लोग ग्राउंड पे सेम टाइम भी टाइम हीट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टोन और फेदर का बात बोला, दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर तुम ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में स्टोन और फेदर लोगे तो ऑब्वियसली स्टोन पहले गिरेगा बिकॉज फेदर हल्का है, तो ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसे ऐसे करके गिरेगा नीचे। देयर इज सेपरेट इशू बिकॉज एयर इज गिविंग रेजिस्टेंस, लेकिन यहां से तुम एयर ही अगर हटा दोगे तो देखोगे कि दोनों रीच द ग्राउंड या फिर फ्लोर एट द सेम पॉइंट। मतलब इट इंडिकेट्स दैट अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ विद अ फोर्स दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज सेम इन एवरी केस। मतलब एक 1 केजी वाला ऑब्जेक्ट का जितना फोर्स से पुल करेगा, 100 केजी वाला भी सेम ऑब्जेक्ट से मतलब सेम फोर्स से पुल करेगा, ठीक है। समझ में आया था तक? ओके। और भी एक मिसकंसेप्शन है हम लोगों का कि हम लोगों को पता है कि अर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, बट इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है कि अर्थ ही ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? That is not the case actually. अभी second paragraph में देखो, मतलब second part जो है blue color का line, every object in the universe attracts every other object. अगर मैं और कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, या फिर मैं और ये marker की बात कर लो, so हम दोनों को भी एक दूसरे से attraction हो रहा है, ठीक है ना? मतलब every object attracts every other object, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या बोला? When we drop an object, it falls towards the earth. Fine. This means that the earth attracts the various object towards the center. तो क्या हुआ? Earth हर object को center की तरफ खींचेगा, that is fine, totally true. But Newton said, Newton ने क्या बोला कि there is not only earth which attracts each other, earth attract every object. There are the things that are surrounding us. Every object attracts every other object. ठीक है? So according to Newton, every object in the universe attracts every other object with a certain force, and the force with which two objects attract each other is called gravitational force or gravity. मतलब ये जो हमने definition लिखा था, उसको तुमने क्या किया? Newton ने फिर redefine किया. Redefine मतलब फिर से define किया. देखो हम लोगों का redefine, spelling wrong है. उसने redefine किया. Redefine मतलब हम लोगों का पहले कंसेप्शन क्या था, मिसकंसेप्शन था कि इट इज द अर्थ व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द बॉडी टू, मतलब एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला बाद में कि नहीं, दैट इज नॉट द केस। न्यूटन ने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? ये जो अलमीरा है, यहाँ पे एक अलमीरा है, प्रोबेबली यू वोंट सी, यहाँ पे एक अलमीरा है एंड दिस इज मी, दिस अलमीरा एंड मी देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन अस, ठीक है। ये जो ब्लैक, माय गॉड सॉरी, ये जो बुक है, बुक का शायद अट्रैक्शन नहीं है मेरे से इसलिए गिर गया, तो जो भी हो, तो ये बुक और मेरे बीच में भी एक अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई भी चीज, दोनों चीज ले लो, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उसको तुमने रीडिफाइन करने ये लिखना है। क्या लिखना है? न्यूटन सेड दैट कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। So that is your gravitational force. अच्छा, अभी तुम बोलोगे कि सर अगर दो चीज, एक चीज को attract कर रहा है, ठीक है ना? जैसे मैं मान लो मैंने ये stone को छोड़ दिया, फेंक दिया यहाँ पे, या फिर marker को फेंक दिया यहाँ पे, तो वो attract करेगा, हम लोग वो दिखाई दे रहा है ना attraction। But दो अगर object है, उसको क्यों नहीं दिखाई देता है attraction, right? That's, ये definitely question आएगा ना, क्योंकि magnet और अगर तुम एक पेपर, मतलब आयरन का क्लिप लोगे, पेपर क्लिप जो लोगे, उसमें क्या दिखाई देता है कि आयरन और पेपर मैग्नेट सामने रखने से दे अट्रैक्ट ईच अदर। बट इन केस ऑफ सपोज टू मार्कर्स आर देयर, यहाँ पे दो मार्कर है, तो सामने रहने से इसका अट्रैक्शन क्यों दिखाई नहीं देता है? बिकॉज इट डिपेंड ऑन द मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो तुम सोचो, कंपेयर टू अर्थ इसका मास क्या है? एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम लोग स्टोन को दिखते हैं, मतलब ये जो मार्कर या फिर स्टोन है,
वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज द बॉडी हैविंग मतलब ज्यादा मास विल अट्रैक्ट द बॉडी ऑफ हैविंग स्मॉलर मासेस, ठीक है। तो ये वाला बात यहां पे बोला है कि देखो इफ द मासेस ऑफ द बॉडी आर वेरी स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। अगर दोनों में मास अगर कम है, देखो ये मार्कर और वो मार्कर में मास बहुत कम है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। बट however if one object is heavy and the gravitational force becomes very large if one object is very big then the gravitational force becomes very large। abhi compared to earth ye wala kya hai, bahut chota hai, to isliye jab tum chhodoge usko to ye chota object kahan pe earth mein earth ke center mein jane isko tum dikhai doge, isko motion tum dekhne ko milega tumko। are you getting or not? मैंने क्या बोला कि दो अगर तुमने स्टोन लिया या फिर दो अगर मार्कर लिया उसके बीच में अट्रैक्शन यू विल नॉट सी क्योंकि मोशन नहीं है तो तुम देखा नहीं देगा ना कि फोर्स क्या है। बट इफ आई लीव दिस मार्कर फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल गो डाउन, राइट। क्यों जाएगा? बिकॉज अर्थ इज ए ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वन मोर ऑब्जेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू मैंने एज कंपेयर टू अर्थ इसका बहुत साइज छोटा है मतलब मास बहुत कम है, तो दैट इज वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कब ज्यादा होगा? जब दोनों में से कोई भी एक का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस, सो दैट इज व्हाई वी विल सी इट गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अ स्टोन एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर सिंस द अर्थ हैज अ वेरी लार्ज मास, मैंने वही बोला द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज ड्यू टू व्हिच व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप इट इज मूव टुवर्ड्स द अर्थ। अच्छा, यही क्वेश्चन तुम लोगों का एग्जाम में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या क्वेश्चन? कि व्हाई डू वी सी द अर्थ द स्टोन मूविंग टुवर्ड्स अर्थ बट द अर्थ इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द स्टोन। ऐसे होना चाहिए ना, न्यूटन्स का लॉ जो है या फिर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स एंड दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अगर इसके बीच अट्रैक्शन है तो इसका भी इसके ऊपर अट्रैक्शन है ना। दो ऐसा नहीं है कि एक स्टेशनरी बॉडी है एक मतलब मूविंग बॉडी है, दोनों में ही क्या होगा अट्रैक्शन होगा मतलब दोनों ही दोनों की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्टोन है और एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है तो हम लोग क्यों देखते हैं कि स्टोन अर्थ की तरफ जाता है बट अर्थ तो स्टोन की तरफ नहीं आता है। सो रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि डिफरेंस इन मास होता है। एज कंपेयर टू स्टोन अर्थ का मास क्या है? बहुत बड़ा है, तो दैट इज व्हाई वी विल सी द अर्थ मोशन कौन सा दिखेगा। अर्थ को तुम स्टोन की तरफ कैसे देखोगे? क्योंकि बिकॉज अर्थ हैज अ वेरी अर्थ हैज अ वेरी लार्ज मास, ठीक है ना। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए क्या होगा, वी विल सी द स्टोन इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ नॉट द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द स्टोन, ठीक है। समझ में आया? तो ये था पूरा थ्योरी पार्ट, अभी आएंगे हम लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा डेरिवेशन में, ठीक है। चलो अभी आते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या है, एकदम ठंडा दिमाग से सोचो। ये लॉ क्यों बनाया होगा? जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, जितना ज्ञान मैंने बांटा तुम लोगों के साथ, वहां पे मैंने बोला क्या, मास के बारे में बोला, ठीक है। मतलब दोनों में से देखो अट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, अट्रैक्शन हैज टू बी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट का और अट्रैक्शन से क्या लेना देना है, कैसा फोर्स है, उसको न्यूटन ने डिफाइन किया है, ठीक है। और उसी लॉ का नाम है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो लॉ ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस की चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे वो मतलब वेरी करता है, किसको चेंज करने से फोर्स चेंज होगा, उसके बारे में सब नॉलेज इसमें इस लॉ ने दे दिया, ठीक है ना। तो लॉ का डिफिनेशन पहले जान लो, उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे। और मैंने बोला ना जो लॉ है वो यू कैनॉट चेंज द लॉ, यू कैनॉट राइट योर ओन लॉ, ठीक है। तो मैं जैसा लिखूंगा वैसे ही तुम्हें लिखना है और थ्रू आउट द ईयर तुमको वही मतलब याद रखना, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज कि एवरी ऑब्जेक्ट लिखो मेरे साथ,
attracts every other object with some force which is directly proportional to product of the masses. Which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. देखो एकदम सिंपल सा बात है, मैं एकदम सीधा लैंग्वेज में समझाऊंगा। सोचो क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो हम लोग ले लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक है तुम्हारा m, स्मॉल m, और एक बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, उसका मास है कैपिटल m, ठीक है? दीज आर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको फोर्स, तो लेट दैट फोर्स बी एफ, ठीक है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, product of their masses, मतलब ये जो फोर्स है ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का मास के साथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इन दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस है r, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सपोज डिस्टेंस है r, सो उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये स्टेटमेंट है, उसके बाद जो प्रूफ है, प्रूफ में तो पहले तुम्हें डायग्राम बनाना है, तो मैंने इस साइड में बनाया, तुम लोग प्रूफ के पहले डायग्राम बनाना, ठीक है। तो प्रूफ में क्या आएगा पहले, कि लेट अस कंसीडर two objects having masses, दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या पकड़ लेते हैं, small m and capital m, एक का मास small m, एक का मास capital m, and r be the distance between the two objects, r be the distance between two objects, ठीक है, और क्या है, let F be the force of attraction, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने देखो, ये यहां पे कुछ महाभारत में नहीं लिखा, सिर्फ लिखा क्या, दोनों का मास, जो मैंने डायग्रामेटिकली बोला वही चीज को मतलब थ्योरी में लिखा है। तो अभी आते हैं प्रूफ की तरफ, मतलब लॉ क्या बोलता है। तो नाउ पहले क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट मतलब इनटू, तो कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, कि जितना दोनों में से किसी का भी मास बढ़ेगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। मैंने अभी बोला, जो तुम दो अगर स्टोन लेते हो तो अट्रैक्शन क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बोथ द मासेस ऑफ स्टोन्स आर वेरी स्मॉल, बट इफ यू कंसीडर अर्थ एंड दिस इज स्टोन, देन दोनों में से एक बड़ा हो गया, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी बड़ा हो जाएगा, सो जितना बड़ा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, दैट इज मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस दोनों में से किसी का भी मास अगर बड़ा होगा, मास बड़ा हो गया तो मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन वन,
एन, एन क्या बोला कि फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 1 बाय आर स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 बाय होगा। तुम ही सोचो खुद से, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा या नहीं? तुम ये छोड़ो, तुम एक मैग्नेट को लो, सपोज ये मैग्नेट है, यहाँ पे एक पेपर क्लिप है, तो दोनों में जब तुम सामने लाओगे तभी फोर्स ज्यादा होगा ना, जब इसको दूर पे लेके जाओगे तो क्या होगा, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, वहां पे भी सेम होगा कि दोनों में आर है डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही फोर्स डिक्रीज होगा, तो एक बढ़ने से एक घटेगा, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में ही f है तो लिखेंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m m बाय r स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख दिया, आर स्क्वायर को नीचे और ये ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्टली है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मैंने एक चीज बोला था कि a अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू k इनटू b, मतलब कांस्टेंट इनटू, मतलब ये प्रोपोर्शनल सिंबल उठने से क्या आएगा, इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, तो f इक्वल्स टू g कैपिटल g m m by r square, ठीक है। और ये दिमाग में रखना, ये कैपिटल जी ही होगा, सपोज तुमने ये गलती से भी स्मॉल जी लिख दिया तुमको जीरो देगा, क्यों? क्योंकि स्मॉल जी कुछ और रिप्रेजेंट करता है और वही तुमको ये चैप्टर में भी मिलेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी मिलेगा तुमको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो ये जो जी है, व्हाट इज दैट, वेयर जी इज द व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसका नाम ये है। तो व्हाट डस कैपिटल जी रिप्रेजेंट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये जी का एक वैल्यू है, वो हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो व्हाट इज द लॉ, बेसिकली ये बहुत सिंपल सा लॉ है, ये है। तो तुमको अगर पूछे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या बोलोगे, एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो उसमें से एक कैपिटल एम होगा एक स्मॉल एम होगा, तो ऐसे हम लोग जब बोलेंगे तो ऐसे ही बोलते हैं, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जैसे बुक में तुमको एम वन एम टू मिलेगा तो वहां पे ऐसा भी लिख सकते हो f equal to g m1 m2 by r square, मतलब दो मार्क्स होना पड़ेगा कोई भी लो, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक या फिर मेन बुक के हिसाब से मैं करा रहा हूं, इसलिए कैपिटल m और स्मॉल m लिखा, इज दैट क्लियर, एंड दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और कैपिटल g को क्या बोलते हैं, वी कॉल द कैपिटल g एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज़ इट हैज, इट इज अ कांस्टेंट। तो हम लोग यहां से दो चीज कंक्लूड कर पाए कि अगर मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, मास अगर घटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। सेकेंड कंक्लूजन, अगर डिस्टेंस बढ़ा, दोनों में डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा, लेकिन दोनों में अगर डिस्टेंस घटा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो अभी हम लोग, मैंने सब कुछ पोस्ट किया, सिर्फ यही रखा, अभी हम लोग निकालेंगे क्या, एसआई यूनिट ऑफ जी, ये कैपिटल जी, ठीक है, एसआई यूनिट मतलब कि कैसा होगा, मतलब उसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को ये चाहिए होगा ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। तो जी कैसे निकालेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, ये जो है हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों को पता है एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो वहां से जी निकाल लेते हैं, तो ये r स्क्वायर इस तरह जाने से क्या होगा, f into r स्क्वायर by g into mm, ये mm के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हाँ, तो ये रहेगा क्या, f into r स्क्वायर by m into m, capital m into small m, equal to g हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी अगर यूनिट निकालेंगे, यूनिट यूनिट देखो क्या होगा,
फोर्स का यूनिट क्या है, हम लोगों को पता है न्यूटन है। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, तो ये मीटर है, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, ऐसा यूनिट, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा मास, ये मतलब मास का ऐसा यूनिट क्या है केजी, ये भी मास है तो इसका भी केजी, तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, जी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंटली जी का एक वैल्यू है, ठीक है, तो पहले मैं दिखा दूं कि जब इफ इफ हम लोगों ने एम भी 1 केजी लिया, स्मॉल एम भी 1 केजी लिया और डिस्टेंस भी 1 मीटर लिया, ठीक है, तब देखो यहां पे अगर पुट करोगे एफ इक्वल्स टू क्या है जी एम भी 1 एम भी 1 आर भी 1 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 1 * 1 1 1 स्क्वायर भी 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या एफ इक्वल्स टू जी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये कांस्टेंट जी सेम होगा कब, जब दो ऑब्जेक्ट सेम साइज का या फिर सेम मास का हो, 1 केजी का ही हो, अगर दोनों ही 1 केजी हो और दोनों को अगर रखा गया है 1 मीटर डिस्टेंस में, तो उसका जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू जी, ठीक है, उसका मतलब यही है, दो ऑब्जेक्ट हैविंग दो स्टोन लिया 1 केजी 1 केजी और दोनों को बीच में 1 मीटर डिस्टेंस में रख दिया, तो वो लोग कितना फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट जी, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक रैंडमली चीज बोला, एक्चुअली तो जी पता ही चल गया, इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू ऑफ जी देखो, वैल्यू ऑफ जी मतलब जी एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का एक वैल्यू है, ठीक है, तो दैट वैल्यू इज गिवन बाय जी इक्वल्स टू 6.67 इनटू 10 टू द पावर क्या था -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। किसी किसी जगह पे इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं 6.7 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब अगर तुम्हें डेसिमल के बाद दो डिजिट ले ही लेना है, एक डिजिट अगर लेना है तो 6.7 ले लो, अगर दो डिजिट लेके करना है तो ये करो, ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेड। हाँ, समझ में आया इतना तक, ठीक है। तो ये है तुम्हारा दो इंपॉर्टेंट चीज, एक है तुम्हारा ऐसा यूनिट ऑफ जी और एक है वैल्यू ऑफ जी, ये तुमको ये चैप्टर में पूरा थ्रू आउट याद रखना है। और हम लोग बोल सकते हैं ये जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये बताओ तो ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, टेल मी। देखो फोर्स कैसा भी हो, फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इन जनरल हम लोगों ने जो फोर्स पहला दो चैप्टर में जो फोर्स का वो पढ़ा था, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नथिंग बट अ फोर्स ना, बट हम लोगों का जो फोर्स है वो जो पहले मिला था उसका वो क्या था, स्केलर या वेक्टर, ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अभी बहुत टाइम से हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं किया ना, तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे, दो सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो जो हमने फॉर्मूला दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी एक चीज याद रखना कि न्यूमेरिकल इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, तो इसका भी मैं अच्छा प्रोसेस सिखा दूंगा। तो एक अगर ये जो न्यूमेरिकल है दो, उसमें मैं जो प्रोसीजर फॉलो करूंगा वही करना जो मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क ज्यादा नहीं है, दो तीन ही मिलेगा तुमको, लेकिन वो तुमको कैलकुलेशन कैलकुलेटर में मत करना बिल्कुल भी, खुद से करना, ठीक है, मैं वही दिखाऊंगा। लास्ट में सिर्फ एक ही जगह पे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी कैलकुलेशन सब में इजी कर दूंगा, ठीक है। तो देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 में आते हैं, पहले तो देखो, ठीक है, देख के कंप्लीट होने के बाद मेरा फिर यू स्टार्ट। Calculate the force of gravitation due to Earth
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने बोला, दैट मींस इट इज वेरी मच क्लियर कि F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बॉल ऑफ मास 1 केजी लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो लाइंग ऑन द ग्राउंड अगर होता है, सपोज ये अगर अर्थ है, अर्थ में अगर एक बॉल गिरा है, मतलब क्या है, द फर्स्ट बॉडी इज दिस बॉल एंड द सेकंड बॉडी इज द अर्थ इटसेल्फ, ठीक है। हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, सो कैपिटल जी और कैपिटल एम और स्मॉल एम, जो बड़ा वाला एम है उसको हम लोगों ने दो बॉडी तो नहीं बोला ना, लेकिन अर्थ बोल दिया, सो वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट बॉडी टू बी अर्थ, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ गिवन है, तो कैपिटल एम गिवन है 6 × 10⁴ kg। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि फिजिक्स से हम लोग अर्थ का भी मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सोचो फिजिक्स हैज द पावर टू इज द एबिलिटी टू मेजर द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अच्छा एक स्मॉल एम कितना है तुम्हारा, 1 kg है, ठीक है। और आर रेडियस ऑफ द अर्थ, देखो अभी यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर अर्थ है, ये अर्थ में स्टोन है, तो ऑब्वियसली दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस उसका रेडियस ही होगा, ठीक है। दोनों का सेंटर पकड़ लेते हैं हम, सो व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो आर क्या है तुम्हारा, 6.4 × 10³ किलोमीटर, ठीक है। देखो पहले ही बता दूं कि सबको तुमको ऐसे यूनिट में लेना है, तो किलोमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। हाउ विल यू कन्वर्ट 6.4 × 10³ किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर, 1000 मीटर, तो इनटू 10³ होगा, और एक 1000 मतलब क्या है, 10³ ना, 1 × 3 0, 10³ मीटर, तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। और g का वैल्यू तो पता है, फिर भी लिख देता हूँ, g इक्वल टू 6.7 × 10⁻¹ Nm² per kg², ये लिखना मत भूलना यूनिट, ठीक है। अच्छा फोर्स निकालना है, तो वी नो क्या लिखोगे, अभी तक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी है 6.7 × 10⁻¹ एम 6 × 10⁴ स्मॉल एम कितना है 1 kg, चलो ये तो तुम्हारा कैलकुलेशन घट गया। और आर स्क्वायर है, देखना आर स्क्वायर है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वायर को छूट जाता है, तो एक काम करो, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, रुको 6.4 को हम लोग लिख सकते हैं 64/10, ठीक है, × 10⁶ मीटर। तो देखो ये 10 अगर ऊपर जाएगा तो मतलब ये एक 10⁵ हो जाएगा, तो 64 × 10⁵ मीटर, ठीक है ना। डिवाइड होने से माइनस होता है, ये 10⁵ है तो डिवाइड है ना दोनों, तो क्या हो जाएगा 10⁵ मीटर, तो ये हो गया 64 × 10⁵² होल स्क्वायर। अभी तुम्हारा काम क्या है, 10 को हमेशा अलग से रखा करो, तो देखो 6.7 है इनटू 10⁻¹ इनटू 6 × 10⁴, ठीक है, ये इनटू 1 तो छोड़ ही दिया क्योंकि सेम ही रहेगा, तो 64 स्क्वायर मतलब 64 × 64 फाइन, इनटू 10⁻¹ कितना होगा 5 × 10, हो गया। अभी 10 का जो जो पावर है सबको एक तरफ लेके आओ और बाकी चीज को एक तरफ रखो, जैसे 6.7 यहाँ पे रखेंगे, 6.7 यहाँ पे रखा, 6 यहाँ पे रखेंगे ऊपर ही है, और नीचे क्या है 64 × 64 देखो 10⁻¹ है उसको रखो −11 इनटू ऊपर क्या है 10⁴ और नीचे क्या है 10⁻¹, ठीक है। अच्छा तो इसको 6.7 को क्या लिख सकते हैं, 67/10 लिख सकते हैं इनटू 64
इंटू 64 और यहाँ पे इंटू 6 है ऊपर, ठीक है। अभी देखो इंटू 10 टू द पावर ऊपर रहने से क्या होता है, प्लस होता है, इंटू रहने से प्लस होता है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 10 टू द पावर 10 ही रखो, तो यहाँ पे हो गया 67 इंटू 6 बाई 64 इंटू 64, ठीक है। इंटू देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 24 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा, 31 30। और यहाँ पे एक 10 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 10, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई है तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, एक सब में कर दिया, ठीक है। तो अभी तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला 67 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो और 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 13 है और यहां से डिवाइड करने से माइनस होता है, तो 10 टू द पावर 13 माइनस 11, ठीक है। तो 67 इंटू 6 जो आएगा, नीचे जो आएगा वो रखो, जो आएगा इसमें भी जो आएगा मल्टीप्लाई करो, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 11 11 12 13 मतलब 2 हो जाएगा, 100 10 टू द पावर 2। तो इसको जो आएगा उसको डेसिमल में लेके आओ, पॉइंट पे लेके आओ, ये जो होगा इनटू क्या होगा 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको डेसिमल में ले आया इनटू 10 टू द पावर 2, इतना ही आंसर होगा। तो सिंस इट इज फोर्स तो हमारा आंसर कितना आएगा, न्यूटन में आएगा। टेक्निक समझ में आया कैसे करना है, हमेशा 10 का पावर, अगर पॉइंट्स में कुछ भी हो 10 का पावर में कन्वर्ट कर दो और 10 को एक तरफ लेके उसका कैलकुलेशन सिंपलीफाई कर दो, फिर जो बचेगा कैलकुलेशन वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही बचेगा, ठीक है। ऐसे पूरा डिवाइड नहीं करना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट या फिर दो डिजिट ले लो बस हो जाएगा, उतना तक करके छोड़ देना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया है तो सैंपल प्रॉब्लम 2 इज योर होमवर्क, ठीक है। सेम फॉर्मूला को लगा के करना है सैंपल प्रॉब्लम 2, ठीक है। देखो प्रॉब्लम तो वो नहीं आएगा, मुझे पता है कि फॉर्मूला लगाना है, वो तो सबको आएगा। प्रॉब्लम वहां पे आएगा कि कैसे इसको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन मैंने बोला जो ये प्रोसेस को, ये टेक्निक को अप्लाई करो, तभी आएगा आंसर, ठीक है। और तुम लोग मुझे कॉमेंट में बताना कि केपलर्स लॉ स्कूल में कराया कि नहीं, ठीक है, बिकॉज केपलर्स को कभी भी नहीं आता है, इस बार तो शायद नहीं आएगा। तो किसी भी स्कूल में अगर कराया है केपलर्स लॉ इस चैप्टर से तो मुझे बोलो, देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल स्किप दैट पार्ट, ठीक है। वैसे भी नहीं है तुम लोगों का। और पेज नंबर 101 पे, पेज नंबर 101 एसएम, वहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 35, 36 and 37, ठीक है। ज्यादा एडिशनल होमवर्क नहीं दिया, सिर्फ तुमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करना है अच्छे से, ठीक है। उसका लॉ का प्रूफ चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और तो होमवर्क देने वाला चीज नहीं है, ठीक है। आज का होमवर्क तो कम ही है, 3-4 क्वेश्चन ही है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, आई विल सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना और बाय द वे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो।